बच्चों ने काफ़ी जो है ना कहा है कि हमें कपड़े भी खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं और चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों को तो शौक़ होता है बहुत ज़्यादा ईद मनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और अपने घरों में आबाद रखें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होगी, तो आप सब लोग ने हमारी वीडियो से जुड़े रहना है और हमारी वीडियो को मुकम्मल करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद करीब आ रही है और ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रखी हैं, पता नहीं मैं पूरी कर सकूँगी भी नहीं। एक से एक नई फरमाइश है इनकी, आज ये लेके दें आज वो लेके दें। तो आज सबसे पहली फरमाइश तो मैंने इनकी ये पूरी की है, ईद की नहीं है ये, ऐसे ही है कि इन्होंने दही भले खाने हैं तो मैंने दही भले मंगवाए हैं। तो अभी ये बच्चों को मैं बना के दूँगी। तो जैसे कि ईद आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इंशाल्लाह ईद पर अच्छी अच्छी वीडियोज भी हम बनाएँगे और आप सब लोग से शेयर करेंगे। तो ईद पर हम बकरा ईद पर कैसे जो है ना खाना बनाते हैं, कैसे बकरा ईद कुर्बानी करते हैं, वो सब आप सब लोगों से शेयर करेंगे। साथ में समोसे भी हमने मंगवाए हैं, तो एक चटनी दही भल्ले के साथ है और एक समोसे के साथ हमने तो बनाना शुरू कर दिया। इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये हमने मंगवाया फरमाइश थे, मुझे देखो और यहाँ के दही भले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज अभी दिन का वक्त है तो हमें कुछ भी सालन खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा बच्चे ना तो वैसे भी जीत की कि हमें आज दही भले ही खाने हैं, तो हमने दही भले माशाल्लाह से बच्चों ने समोसे भी खा लिए हैं और दही भले भी खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। और हमारे जिला शहर के मशहूर समोसे और दही भले होते हैं और जब भी हमारा दिल करता है, वैसे हम खुद भी बनाए तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, कम टाइम में हम बना भी लेते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमें कभी जल्दी हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तो हम जिला शहर से मंगवा लेते हैं। और आज भी हमने जिला से मंगवाए हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, हम सब ने खा लिए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है, तो ईद पर इंशाल्लाह हम जो है ना शॉपिंग करने भी जाएंगे। बच्चों ने काफ़ी जो है ना कहा है कि हमें कपड़े भी खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं और चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों को तो शौक़ होता है बहुत ज़्यादा ईद मनाने का। तो इंशाल्लाह बच्चों की फरमाइश भी पूरी करेंगे, जो ये कहेंगे वही इनको लेकर देंगे हम। तो
काफ़ी जो है ना इंजॉय किया था, अच्छी अच्छी चीज़ें ली थी। इंशाल्लाह इस ईद पर, बकरा ईद पर हम जो है ना ज़्यादातर आप सब लोगों से रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि बकरा ईद पर हम जो है ना रेसिपी कैसे बनाते हैं, बकरा को कैसे कुर्बान करते हैं, और ये सब आप सब लोगों से शेयर करेंगे। तो बाकी कम ही दिन रह गए हैं ईद को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होंगी। आप सब लोगों ने ज़रूर ज़रूर जो है ना हमारी वीडियो को देखना है, तो अभी थोड़ा वेट करें, बस कम ही दिन रह गए हैं। माशाल्लाह से लाइट हमारे पास आ चुकी है, जो हमारी परेशानी थी वो भी हमारी अब दूर हो चुकी है। तो माशाल्लाह से हमारा मौसम भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा आज भी चली हुई है। शाम के वक्त में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन अभी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मौसम है। तो अभी जो है ना ये बर्तन लेकर मैं जाती हूँ और इनको धो लेती हूँ नलके पर। तो अभी जो है ना मैं इस छांव के नीचे बैठी हूँ दरख्त के नीचे, तो अभी कुछ देर में फिर पानी वाला भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मीठा पानी नहीं है, हमारे पास यहाँ पर आता है पानी देकर जाता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह लेंगे। अभी मैं नलके पर चलती हूँ। तो जब भी हम खाना बनाते हैं या कोई रेसिपी बनाते हैं, तो हम ताज़ा यहाँ पर आते हैं नलके पर बर्तन धो के ले जाते हैं। माशाल्लाह से नलके पर थोड़ी देर बाद छांव आ जाएगी, क्योंकि ये दरख्त के पास ही नलका लगा हुआ है। तो लाइट अभी अभी आई है, तो इंशाल्लाह हम जो है ना मोटर भी लगवाएंगे, क्योंकि पानी की हमें इस पर थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि नलका हाथ से चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कपड़े धोना, फिर बर्तन धोना, जानवरों को पिलाना, सब काम अभी तक तो हमारे पास लाइट थी नहीं, इसलिए हमने ऐसे ही गुजारा किया है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम जरूर मोटर लगवाएंगे। पानी हमारे पास मीठा होता नहीं है, तो अभी हम पानी इससे ले रहे हैं, ये देखो। इसके साथ एक कूलर और एक हम जो ना वो वाली साइकिल के ऊपर रखा हुआ है, वो भी पानी का लेंगे। वो पानी हमने ले लिया है, क्योंकि रोज़ ही इस टाइम पानी वाला आता है, और हमने इनसे कहा हुआ है कि जब भी जहाँ से गुजरे हमें पानी दे के जाए, क्योंकि पानी हमारे पास है नहीं। और जब पहले हमें दूर से भर के लाना पड़ता था, लेकिन अभी ये है कि पानी वाला यहीं पर आता है और हमें पानी ले जाते हैं। हमारे पास पानी नहीं होता, तो हमने पानी अभी ले लिया है। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी बच्चों को देखते हैं। अमन अभी कुरान पाक पढ़ रही है, तो माशाल्लाह से समारिया ने कुरान पाक पढ़ लिया है कब से, तो ये अभी पढ़ रही है, सोने के पास पढ़ती है। तो यहाँ आसपास कोई मदरसा है नहीं, इसलिए दूर जाना पड़ता था जिले में, तो इसलिए सोने के पास पढ़ रही है। तो माशाल्लाह से आपसे स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है ना, इसलिए मुजम्मिल अभी जो है झूले का रहा है फटी रख के। तो इसी तरह से बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, असल में वहाँ पर फटिया रखी थी तो वहाँ से ले आया है। तो आप सब लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, तो आप सब लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आप सब लोग जहाँ हैं खुश रहें, ये हमारी दुआ होती है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सब लोगों को दिखाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।